चलो चलो चलो, देर हो जाएगी हमें। अरे कहाँ जा रहे हो? वो खाने का सामान, साबुन और वो हाथों पर क्या लगाते हैं यार, चूना? नहीं वो, अच्छा खत्ता, सेंट्रो क्या है वो, है ना? हट, वो सैनिटाइज होता है पागल। हाँ वो सैनिटाइजर, वो भी लाना है। अरे यार कल ही तो लाया था। कल को अगर कोरोना ज्यादा फैल गया तो सामान कहाँ से लाएंगे, कहाँ घूमते फिरेंगे? अरे यार हमारे चक्कर में जिसको जरूरत है वो बेचारा रह जाएगा। अच्छा हम कितने रहते हैं इस रूम में? दो जने हैं यार हम तो। दो तो दो हमारे लिए काफी है ना यार। अरे तुझे पता है क्या, कोरोना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए गर्म चाय पियो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी से नहाओ, धूप में रहो। ये कोरोना कोई बर्फ की फैक्ट्री थोड़ी है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हैं? अरे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया यार, तुझे कैसे समझाऊं, ज्ञानी ज्यादा है ना तू तो, मेरी तो मानता ही कहाँ है। तू जैसे लोगों के लिए तो ये व्हाट्सएप बंद कर देना चाहिए जो ऐसे फेक न्यूज फैलाते हैं। क्यों, हमारा व्हाट्सएप बंद क्यों? भूतनी के ये सब तुझे झंडू बनाने के लिए और तेरी लेने में लगे रहते हैं, और तू बेवकूफ इनको समझ नहीं पाता और ऐसी फेक न्यूज फैलाता, शर्म नहीं आती तुझे? अबे तू बड़ा ज्ञानी है ना मुझसे बात करता है। बेटा ज्ञानी नहीं हूँ बट इतना तो दिमाग रखता हूँ कि ऐसे फेक न्यूज पे ध्यान नहीं देता मैं तेरी तरह, जैसे तू देता है। यहाँ पूरी दुनिया के डॉक्टर कोरोना का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं और तू गर्म चाय के चक्कर में साइंटिस्ट बना फिर रहा है। तुझे पता है मेरी मम्मी का फोन आया था, वो भी बोली थी कि धूप में ही रहना, गर्म पानी पीना, गर्म चाय पीना, कॉफी पीना, और तू मानने को तैयार ही नहीं है इस बात को यार। तो कोई जादू थोड़ी है जो धूप खाके कोरोना से लड़ेगा। फिर तो व्हाट्सएप से आएगा सारे मैसेज गलत है। हाँ बिल्कुल, तेरे तो काम ही ये व्हाट्सएप पे गलत गलत मैसेज बनाए, फेक न्यूज को बढ़ावा देना। ये देखो मेरे हरियाणा वाले ताऊ जी का मैसेज आया, वो भी यही बोल रहे हैं कि शराब पीने से कोरोना चला जाएगा, तू तो मानता ही नहीं है मेरी बात। ओ ज्ञान की दुकान, बंद करिए तेरी फेक न्यूज की क्लास। और पता है शराब से कितना साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे, और तुझे पता है शराब से बॉडी कमजोर होती है, हमारी बॉडी पे कितना साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं शराब के, और इसी की वजह से तेरा भाई वो कोरोना तेरे पास आता है। एक काम कर तू रुक, मैं बाहर जाता हूँ और सब्जी लेकर आता हूँ। अबे ओ कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठ जा यहाँ पे। अरे मैं तुझसे बड़ा हूँ, कुछ तो मान ले यार मेरा कहना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे पता है हमारे उम्र के ही लोगों में सबसे ज्यादा फैलता है कोरोना वायरस। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ आज के टाइम में, और स्वस्थ ही रहूंगा, मेरा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू शांत रहे भाई, तुझे पता है टीनेजर्स को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है। इतने दिन तेरी बात मानी, अब तू मुंह बंद करके चुपचाप मेरी बात मान। बता क्या बता रहा है तू, तेरा ही कहना मान रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मेरी बात सुन, तू तेरे इन पड़ोसियों के पास जाना बंद कर, और उनको बोल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, और छींकते हो खांसते हो मुंह को टिश्यू या रुमाल से ढकें। और तुझे पता है ये जो फॉरेन कंट्री से जो लोग आए हैं ना इंडिया में, उनको भी सरकार ने क्वारंटीन में रखा है ताकि ये वायरस फैले ना। और तू तो मेरे पास रहता ही है, इसलिए तू तेरे को मेरी बात माननी ही पड़ेगी भाई। अच्छा कल मैंने न्यूज में भी देखी थी ये बात है कि विदेशों में लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं अपनी बालकनी से और वहीं से गाना गाते हैं, और हमारे इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार इंडिया में बालकनी के अंदर वो कच्चा और बनियान सुखाने में टाइम नहीं है लोगों को, वो देखे या जनता को देखे। अबे ओ तुझे पता नहीं है क्या, आंख नाक और मुंह को बार बार हाथ नहीं लगाते, और जहां तक हो सके दिन में बार बार हाथ धो, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ के धोना है तेरे को, और जहां तक हो सके ना तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर और उसी से हाथ सैनिटाइज कर। देख अगर देश के लिए कुछ करना है तो घर में ही रहना है, लॉकडाउन के सभी रूल्स को फॉलो करना है, बस यही एक देशभक्ति है। अच्छा चेक कर, मैंने तुझको एक ऐप शेयर किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु, और इसको डाउनलोड कर। अरे ये तो आरोग्य सेतु ऐप है, ये तो वही ऐप है जो कल टीवी पर भी बता रहे थे, ये तो सरकारी ऐप है पूरा, ये इसमें कितने लोग संक्रमित है अपने आसपास में, हम संक्रमित है या नहीं इसकी जानकारी बताता है ये ऐप, यही ऐप है ना। इस ऐप को तू भी इंस्टॉल कर, और जितने भी तेरे रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं उन सबको ये ऐप शेयर कर और उनसे डाउनलोड करा। ये ऐप कोरोना वायरस बचने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है, और ये ऐप कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है यार,
इसे तो बचा जा सकता है कोरोना पॉजिटिव लोगों से। ये बात केवल मेरे लिए नहीं है, आप सब लोगों के लिए भी है। इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना इतना जरूरी नहीं है जितना शेयर करना जरूरी है।